जैन सिद्ध क्षेत्र गोपाचल, जो ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग की तलहटी में है, और जैन प्रतिमाएं पूरे दुर्ग के पथरीले इलाके में उकेरी गई हैं। उकेरी गई प्रतिमाओं का आकार 6 इंच से लेकर 57 फीट ऊंचाई वाली हैं, और इनकी संख्या भी एक दो नहीं बल्कि 1500 से ज़्यादा हैं। इन प्रतिमाओं के कारण ग्वालियर का दुर्ग एक प्रकार से मंदिर जैसा लगता है। दुर्ग के पर्वत को तरास कर यहाँ पर सन 1993 से 1536 के मध्य हजारों विशाल दिगंबर जैन मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तोमर वंश के राजा बीरम देव, डुगर सिंह व कीर्ति सिंह के शासनकाल में इन विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इन मूर्तियों में आदिनाथ भगवान की तथा भगवान की पार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमाएँ भी शामिल हैं। इसीलिए इस पहाड़ी को जैनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सदियों पुरानी इन प्राचीन प्रतिमाओं को देखकर टूरिस्ट आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि किसी पहाड़ को तराश कर प्रतिमाएं बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ये प्रतिमाएं कई सदियों से धूल बारिश व धूप की तपन सहन कर रही हैं। इतनी प्राकृतिक आपदाएं झेल कर भी ये प्रतिमाएं आज भी अहिंसा का संदेश देती नजर आती हैं। किंवदंती है कि डूगर सिंह ने जिस श्रद्धा एवं भक्ति से जैन मत का पोषण किया था, उसके विपरीत शेर शाह सूरी ने पर्वत की इन मूर्तियों को तोड़कर खंडित किया। उसने एक बार स्वयं पार्श्वनाथ की प्रतिमा को खंडित करने के लिए तलवार उठाई थी, लेकिन उसकी भुजाओं में शक्ति नहीं बची थी। इस चमत्कार से भयभीत होकर वह भाग खड़ा हुआ था। इस पर्वत पर स्थित मूर्तियों द्वारा कर्म, धर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म जैसे मुद्दों पर रोशनी डालने का प्रयास किया गया है।